सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाटा नेक्सॉन ईवी। एंड जैसा कि आप सबको पता है, टाटा हमारे देश का ब्रांड है एंड ये एक पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है हमारे इंडिया की। एंड ये आपको डुअल टोन में भी मिलती है। ये आपका सेकंड टॉप वेरिएंट है एंड इसके ग्रिल पर यहाँ पर आपको लाइट ब्लू में थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो अच्छा लगता है। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको ईवी की ब्रांडिंग मिल रही है ग्रिल के ऊपर ही। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिलता है एंड ग्रिल पे भी यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको ग्रिल में कुछ डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है एंड एक टच देती है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। So now let's talk about the headlamps of this car। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है एंड उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपको DRLs का सेटअप देखने को मिल रहा है एंड बम्पर्स पे आपको फॉग लैम्प्स का सेटअप देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको ब्लैक एंड लाइट ब्लू की कोटिंग के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो कि फॉग लैम्प्स को एक काफ़ी अच्छा एनहांसिव लुक दे रहा है। तब अगर बात करूँ इसके टायर की, तो यहाँ पे आप इसके एलॉय का सेटअप देख सकते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। टायर का साइज आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन की साइड प्रोफाइल के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक देती है साइड प्रोफाइल से, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। एंड ड्राइवर साइड डोर के साइड में ही आपको ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड उसी के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में OVMs देखने को मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको ब्लू गार्निश के साथ आपको स्ट्रिप देखने को मिलती है दोनों ही डोर्स पर, जो कि एक अच्छा लुक दे रही है। नॉर्मल से आपके डोर हैंडल्स हैं यहाँ पर बॉडी कलर्ड एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको साइड क्लैडिंग देखने को मिलती है जो कि आपकी कार को साइड स्क्रैचेस से बचाएगी। एंड अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो यहाँ पे आपको व्हाइट, ब्लैक एंड लाइट ब्लू विद डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में कार देखने को मिलती है ब्लू में एंड वाइट में, जो कि अच्छा लुक दे रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर का ऑप्शन मिलता है विद अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऐसा कि आप देख सकते हैं। सेंटर में आपको टाटा की ब्रांडिंग मिल रही है एंड यहाँ पर आपको ब्लैक एंड ब्लू में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इस तरफ आपको ईवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टेल लैम्प्स काफ़ी अच्छे डिज़ाइंड हैं। यहाँ पे इन टेल लैम्प्स को ट्राई आरो सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स कहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है एंड इसके साथ टेल लैम्प्स के साथ इसका अच्छा लुक भी जा रहा है। यहाँ पे आपको जिपट्रॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सेंटर में आपको नेक्सॉन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ से आप अपना टेल गेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर बात करूँ मैं कार की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इट्स आफ्टर ऑल कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। टाटा नेक्सॉन है अ 5 स्टार रेटेड कार। ऑफ कोर्स इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी है ही नहीं। एंड आगे यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का सेटअप देखने को मिलता है डोर हैंडल पे, जो कि अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा लॉक है एंड बिल्ड क्वालिटी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इट्स परफेक्ट। एंड यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नीचे आपका स्पीकर है। तो यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है SUVs में। इट्स अ गुड थिंग। तो अगर बात करूँ मैं इसके नी रूम के बारे में, तो इसका नी रूम परफेक्ट है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा नी रूम है मेरे जैसे पैसेंजर के लिए। बहुत अच्छा नी रूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था। ऊपर की अगर मैं हेडरूम की बात करूं, तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, सफिशिएंट है। यहाँ पर आपको रूफ हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए एंड यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि एक अच्छी चीज़ है। रेयर पार्सल ट्रे की तरफ यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर के बारे में। तो यहाँ पे इसका फ्रंट डोर काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपनिंग है, ड्राइवर को इन एंड आउट करने में काफ़ी इजी होगा। यहाँ पे आप इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल देख सकते हैं। नीचे की तरफ कुछ स्पेस है रखने के लिए। अगर बॉटल होल्डर होता तो और भी अच्छा होता। इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। यहाँ पे आपका स्पीकर है, ऊपर आपका ट्विटर है एंड इस साइड आपका OVM को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सीट एडजस्टर मिलता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपका सीट रिक्लाइनर या फिर डिक्लाइन करने का ऑप्शन मिलता है। तो अब अगर मैं बात करूँ इस कार के इंटीरियर्स के बारे में, तो इस कार ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लुक्स देती है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं एवेंट्स के नीचे यहाँ पर आपको जो ब्लू गार्निश में मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लुक देता है। एंड यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है डैशबोर्ड पर, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, नेक्सॉन का तो कोई जवाब ही नहीं है बिल्ड क्वालिटी में, कुछ कहना ही नहीं है। इट्स अ 5 स्टार रेटेड कार, कुछ कहना ही नहीं है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ इसके ग्लव बॉक्स की, वाओ, ग्लव बॉक्स में इतने सारे फीचर्स। ग्लव बॉक्स में यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है एंड इट्स अ मैसिव ग्लव बॉक्स। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं विच इज़ अ यूनिक थिंग, कभी हमें ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलती है, इतनी सारे फीचर्स एक ग्लव बॉक्स में। यहाँ पे आपको कुछ ट्रे देखने को मिलती है, आप अपना सेलफोन वगैरह कुछ रख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये कुछ इस तरह से निकल आती है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है इस ग्लव बॉक्स में। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके इंफोटेनमेंट के बारे में, तो इसके इंफोटेनमेंट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स जैसी चीज़ें, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लू गार्निश के साथ AC वेंट्स पे नीचे कुछ टच देखने को मिलता है, जो कि अच्छा लगता है। सेंटर में आपका हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन है। एयर वेंट्स आपके काफ़ी अच्छे डिज़ाइंड हैं। यहाँ पे आपके वॉल्यूम रॉकर्स के ऑप्शंस हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, साथ ही उसी के नीचे यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ से आप अपनी कार को अनलॉक कर सकते हैं एंड यहाँ से आप अपनी बूट को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको USB पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इस तरफ आपका कप होल्डर का ऑप्शन है ब्लू गार्निश के साथ, जो कि अच्छा लगता है। नॉर्मल सी हैंड ब्रेक आपको मिलती है, उसके साथ यहाँ पर आपको एक गियर रेगुलेटर मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपका स्लाइडिंग मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, स्पोर्टी टच दे रहा है कार को। उसी के साथ यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट, डिसेंट सा स्पेस। तो अगर सीटिंग कंफर्ट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है एंड थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, यहाँ तक मुझे लगा सीटिंग कंफर्ट। यहाँ पे आपको EV की भी ब्रांडिंग मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूरी कार में आपको ब्लू टच देखने को मिलता है, चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। उसी के साथ यह आपकी बकेट सीट्स ऑफर करती हैं। सीट्स थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी, बट इट्स ओके। सो टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग ऑफ दिस कार, ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड और मस्कुलर फील देती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी स्टीयरिंग। एंड ये आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है। यहाँ पर इसका बॉटम फ्लैट है, यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। सेंटर में आपकी टाटा की बैजिंग है। स्टीयरिंग आपकी टिल्टेबल है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आपके वाइपर एंड वॉशर्स के कंट्रोल हैं। इस तरफ आपके हेडलैम्प्स एंड इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हैं। सो दिस इज हाउ नेक्सॉन EV लुक्स एंड इट हिट्स द इग्निशन। तो अब बात करूं अगर मैं इसके सनवाइज़र की, तो सनवाइज़र आपको ड्राइवर साइड प्लेन देखने को मिलता है एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको IRM मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगी वो इसमें यहाँ पे आपको ब्लू लाइट मिलती है, जो कि अच्छा लगता है, एक अलग सा टच मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती है। को पैसेंजर पर आपको सनवाइज़र पर मिरर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी परफेक्ट है। आफ्टर ऑल इट्स अ 5 स्टार रेटेड कार, टाटा नेक्सॉन। हुड के नीचे यहाँ पे आपको इंसुलेटर देखने को भी मिलता है। अब अगर बात करें इसके मोटर टाइप के बारे में, तो यहाँ पे आपको परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइजर मोटर देखने को मिलती है, जो कि 129 PS की पावर जनरेट करती है एंड 245 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।